नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम अपनी खास श्रृंखला जिसका नाम है संस्कृत ड्रामा, इस पर लेक्चर आयोजित करने जा रहे हैं। ये 10वां अध्याय है इस श्रृंखला के तहत, तो और आज एक बार फिर हम कालिदास पर चर्चा करेंगे। कालिदास पर हमारा ये 4था लेक्चर है और आज हम विशेष रूप से कालिदास के जीवन परिचय पर हम व्याख्यान आपके लिए आयोजित कर चुके हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पहुँच चुके हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप सभी से हम साझा करना चाहते हैं कि नित्य प्रति ये सीसी के लाइव लेक्चर्स के जरिए आप तक पहुंचते हैं। मित्रों, आज अगर आप कालिदास पर प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र से, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए डॉक्टर मिश्र से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-110-430। नंबर आपको पुनः बता देती हूँ, 1800-110-430। तो दोस्तों, आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और कालिदास के जीवन से कहते हैं संबंधित तो कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ना हों, अनभिज्ञ हों। डॉक्टर पंकज मिश्र, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों, कालिदास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया विषय, इनका जीवन चरित्र, लाइफ हिस्ट्री को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और स्वाभाविक है, इसका संबंध कहीं ना कहीं इनके द्वारा लिखी गई कृतियों से साक्षात बनता है। और अगर आप इसे अपने ज्ञान या सिलेबस, पाठ्यक्रम और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से भी रिलेट करना चाहें तो साक्षात ये प्रश्न बनता है, क्योंकि सामान्यतया कवियों और काव्यों के विषय में उनकी रचना काल, उनका स्थान, उनका जीवन चरित्र, ये बहुधा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये विषय है जीवन चरित्र। मित्रों, जिस प्रकार काल और स्थान को लेकर के कालिदास के विषय में जो समीक्षा संसार है वह अनिर्णय की स्थिति में है, किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, निर्णय ले पाने में असक्षम है, उसी प्रकार किसी न किसी रूप में महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र के विषय में भी बातें की जाती है। इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ हैं। राजा भोज सरस्वती कंठाभरण, राजा तरंगिणी कलहण, या भोज प्रबंध बल्लाल सेन विरचित गद्य काव्य, ऐसे कुछ काव्य हैं जिन्होंने यथासमय कालिदास के जीवन चरित्र को एक गति दी, या यूं कहें कि इन काव्यों ने भी एक भ्रम उत्पन्न किया। और हर क्षेत्र में लोगों ने कालिदास से अपना संबंध स्थापित करते हुए उससे कोई ना कोई अपनी स्थानीय कहानियां निकाल ली, जिसने पूरी तरह से कालिदास के जीवन चरित्र को भ्रामक बना दिया, भ्रमपूर्ण बना दिया। हम इनमें इसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इनके जीवन से संबद्ध क्या क्या कहानियां हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इन कहानियों और इनके जीवन चरित्र को जानने के लिए मूलतः हमने दो स्रोतों का आश्रय लिया है, जिसमें प्रथम स्रोत है जिसे बाह्य स्रोत कहते हैं, एक्सटर्नल एविडेंस और एक्सटर्नल रिसोर्सेज, और दूसरा अंतः स्रोत, हम जिसे इंटरनल रिसोर्स कह लेते हैं, इंटरनल एविडेंसेस कह लेते हैं। इन दोनों को आधार बना करके हम कालिदास का जीवन चरित्र सिद्ध स्थापित करने का अथच जानने का प्रयास करते हैं। तदनुसार इनके विषय में जो सर्वप्रथम किंवदंती है, हम उनको कुछ भागों में बांट लेते हैं। किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, किसी ने कहा कि ये पशुपालन अर्थात पशुओं को चलाने वाले चरवाहे थे। विद्युत्तमा से जुड़ी हुई इनकी कहानी प्राप्त होती है और उनसे कहानी निकल आती है अस्ति कश्चित वाग विशेष, और फिर लघुत्रयी आदि के संबंध इनसे जोड़े जाते हैं। पहले इन विषयों को हम समझ लें कि ये विषय क्या है। एक सामान्य पाठक जगत में इनके विषय में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे और साथ ही देखने में बड़े ही सुंदर थे। देखिए, ये सारी की सारी कपोल कल्पनाएं हैं।
दूसरा पक्ष जो निकल के आता है कि वह पशुपालन में थे, चरवाहे थे, और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी भ्रम में छल प्रपंच के माध्यम से पंडितों ने इनका विवाह विद्योत्तमा नामक एक राजकुमारी से करवा दिया। विद्योत्तमा स्वयं में विदुषी थी, और उस विदुषित्व के कारण जब उन्होंने देखा कि उनका जो बेटर हाफ है, उनके जो पति हैं, वो सर्वथा मूर्ख हैं, चरवाहे हैं, तो उन्होंने साक्षात उनसे दो तीन प्रश्न पूछ लिए, और उन प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने के कारण विद्योत्तमा ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, अवमानित करके। फिर ये कहानी बनी कि बेचारे कालिदास अपमानित होकर के बाहर, घर छोड़ करके बाहर निकल गए, बाहरी दुनिया चले गए, और उन्होंने किसी स्थल विशेष पे काली देवी की उपासना की, काली देवी प्रसन्न हुए, उनको वरदान मिला, और तदनंतर ये भारी विद्वान बने। और जब विद्वान बनकर पुनः ये विद्युत्तमा से अपने पति से मिलने आते हैं, तो उस क्रम में जैसे ही इन्होंने नॉक किया डोर को, और कालिदास ने प्रश्न उनसे रिक्वेस्ट किया कि अनावृत्तम द्वारम कपाटम देही, अर्थात दूसरे शब्दों में जो दरवाजा बंद है घर का, जरा उसे खोलो, मैं आ गया हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ। विद्युत्तमा दरवाजा खोलती हैं, गेट खोलती हैं, और सामने देखती हैं कालिदास है, तो उन्होंने इमीडिएटली उनसे पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। देखिए, यूँ तो सामान्यतया कालिदास के मन में यह अपेक्षा होगी कि हम जाएंगे, मेरी पत्नी मेरे से प्रसन्नतापूर्वक मिलेगी, मेरी विद्वत्ता के बारे में प्रश्न करेगी, लेकिन पहला ही प्रश्न इनका अपमानजनक था कि अरे ओ मूर्ख, अब भी तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता आई? बेचारे फिर खिन्न मन, उदास मन, दुखी होकर के वहां से वापस लौट उठते हैं, और तदनुसार उन तीन शब्दों के आधार पर तीन श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण करते हैं, और वो तीनों शब्द बने अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। अस्ति कश्चित् और वाग् विशेषः, इन तीनों से उन्होंने तीन काव्य का निर्माण किया, जिसमें पहला काव्य जो अस्ति है, इससे कुमार संभवम का निर्माण हुआ। कश्चित् से उन्होंने रघुवंश मेघदूतम का निर्माण किया, और वाग् विशेषः से उन्होंने रघुवंशम का निर्माण किया, और तदनुसार ये एक श्रृंखला बनी अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। और तीनों काव्यों के प्रथम पद्य इन्हीं शब्द से प्रारंभ होते हैं, और आप पाते हैं कि अस्त्युत्तरस्यामदिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। यह कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का पहला पद्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो कालिदास से जो पूछे गए विद्योत्तमा के द्वारा प्रश्न है, उस प्रश्न का उन्होंने अस्ति का उत्तर कुमार संभवम से दिया। दूसरा कश्चित् शब्द है, जो कि मेघदूतम का प्रथम पद्य कश्चित् शब्द से प्रारंभ होता है, और वह शब्द है कश्चित् कांत, वह पद्य है कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो इस प्रकार कश्चित् जो प्रश्न का अंश है, उसका उन्होंने मेघदूतम से उत्तर दिया, और अंतिम वाग् विशेष से, जिसमें वाक् शब्द से प्रारंभ होता है रघुवंश का पहला पद्य वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इस प्रकार इस तीन काव्यों का इन्होंने निर्माण किया। मित्रों, ये कहानी है, लोक कथा है, दंत कथा है, किम वदंती है, क्योंकि अगर हम इसका अन्वेषण करते हैं तो जिसको कहते हैं वदतो व्याघातः, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट्री है, वह दोष उत्पन्न हो जाता है, और पहला ही दोष उत्पन्न होता है, क्या कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहार की रचना इनके बाद की? दूसरे शब्दों में कि अगर ये विद्युत्तमा के प्रश्न का उत्तर है, इसके बाद इन्होंने प्रश्न के ये उत्तर में ये तीन काव्य लिखे, तो फिर उन चारों काव्यों का संबंध कैसे बनता है? एक दूसरी बात कि जो प्रश्न का जो क्रम है, उस क्रम के आधार पर भी ठीक है, कुमार संभवम हम पहले कहते हैं, लेकिन रघुवंशम के बाद ऐसा माना जाता है कि मेघदूतम की रचना है, तो यह भी दोष है। और तीसरा जो वाग् विशेष शब्द है, उसमें विशेष शब्द की का क्या औचित्य है, या विशेष शब्द की क्या व्याख्या इन पंडितों ने अपनी कहानियों में बनाई, वो अस्पष्ट है, क्योंकि वाग् विशेष शब्द में केवल वाक् शब्द से
पद्य का निर्माण हो रहा है, विशेष शब्द कहीं प्रच्छन्न भी दिखाई नहीं पड़ता। यह अलग विषय है कि ये तीनों के तीनों, इन तीनों की गिनती लघुत्रयी में की जाती है, और लघुत्रयी और बृहत्त्रयी का एक संबंध है, जबकि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इन तीनों काव्य विशेष को समीक्षकों ने बृहत्त्रयी में स्थान दे दिया। तो उसके बाद इन काव्यों में क्या पाया गया कि इसमें कालिदास के किसी भी काव्य का उल्लेख नहीं प्राप्त हो रहा है, और बृहत्त्रयी नामकरण के पीछे क्या योजना रही है इसका भी हमें कोई इतिहास नहीं मिलता, कोई तात्कालिक कारण नहीं मिलता, बल्कि हम आप अपने श्रम से इस शब्द की विवेचना करते रहते हैं कि बृहत् का अर्थ कहीं महाभारत तो नहीं है, कि महाभारत त्रयी अर्थात महाभारत के ऊपर जो आधारित तीन श्रेष्ठ काव्य हैं उनको बृहत्त्रयी की रचना नाम दिया गया हो, या कलात्मक दृष्टि से जो प्रौढ़ काव्य हो उनको बृहत्त्रयी नाम दिया गया हो। क्योंकि वृहत शब्द का अर्थ अगर हम विशाल लेते हैं तो उसे विशालता की दृष्टि से रघुवंश से छोटा जो है इनके काव्य आपको आ जाते हैं किरातार्जुनीयम, क्योंकि किरातार्जुनीयम में कम सर्ग हैं और रघुवंशम में अधिक 19 सर्ग हैं। तो ये भी तो लघुत्रयी है और लघुत्रयी में इन तीनों का नाम दिया गया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत यह मानना है कि यह कहानी एक प्रकार से काव्य शास्त्र विनोद है। हम आप सभी जानते हैं कि बैठे बैठे हम लोग भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रीड़ा खेलने लगते हैं। आज भी सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, पता नहीं 200-400 वर्षों के बाद वो जो काल्पनिक क्रीड़ा है वो कहीं हमारा इतिहास ना बन जाए। तो उसी प्रकार ये कवियों की क्रीड़ा थी जिसमें कि शब्दों को जोड़ तोड़ करके कहानियों का निर्माण कर लेते थे, और उसी निर्माण की परिणति ये विद्युत्तमा वाली कहानी जो है वो सर्वविदित तो हो गई। अन्यथा इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का हमें स्वरूप या किसी प्रकार का तात्विक बोध नहीं है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। मेरा यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति में इतनी अधिक मूर्खता थी वे इतने प्रतिभा संपन्न होंगे, ये मेरे ख्याल से यह सर्वथा दुर्लभ, सर्वथा कठिन विषय है, दुष्कर विषय है। हाँ, हमारे सामने उदाहरण है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, और रसड़ी आवत जात पे शिल्प जातते शिल्पे परत निशान। ये कविताएं, इस तरह की बातें हमारे यहाँ आई है कि हाँ हम अभ्यास करके उत्कृष्टता सफलता हासिल करते हैं, लेकिन जिस प्रकार कालिदास की मूर्खता की बातें की जाती रही है उस प्रकार की मूर्खता से कितने भी परिश्रम क्यों न कर लिए जाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना नहीं हो सकती, मेघदूतम की रचना नहीं हो सकती, ऋतु संहार की रचना हो सकती है, विक्रमोर्वशीयम की रचना हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे काव्य हैं जिस काव्य में सतत एक श्रम, सतत एक ज्ञान और नित नूतन जो अध्यवसाय है उसकी आवश्यकता होती है, एक उत्कृष्ट प्रतिभा की जरूरत है, तब जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम जैसे काव्य का निर्माण होता है। तो ये एक कहानी जिसे हमने बताया, ये कहानी चल पड़ी, कहानी बन गई जिसमें केवल महाकाव्य मात्र को फोकस किया गया, और इसके आधार पर एक और कहानी चल पड़ी कि कालिदास दो थे, काव्य लिखने वाले कालिदास और थे और नाटक लिखने वाले कालिदास कोई और थे। ये सब सारे के सारे भ्रम उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की सृष्टि की गई। और जैसा मैंने कहा कि काव्य शास्त्र विनोद की बात, तो वो एक परंपरा थी जहां लोग काव्य क्रीड़ा करते थे, और इसके कई सारे उदाहरण हमने आपके सामने बताए पिछले अपने कई श्रृंखलाओं में, जिसमें बार बार एक श्लोक सुनाता रहा हूं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो विद्वान व्यक्ति है उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र विनोद में ही है। तो ऐसे विषय को मात्र काव्य शास्त्र विनोद समझा जाना चाहिए, ना कि इसे व्यावहारिक या ऐतिहासिक सत्य। लेकिन एक और चीज में विद्युत्तमा को लेकर के मैं थोड़ा सा बहुत अधिक उत्साहित तो हो जाता हूँ इस नाम को लेकर के, क्योंकि जब जब मैं कालिदास को पढ़ता हूँ तो कालिदास में एक चीज दिखाई गई है उस अभिज्ञान और शाकुंतलम में, हम बार बार क्या पाते हैं कि विद्या शब्द का प्रयोग है। और महर्षि कण्व जब उनको ज्ञात होता है कि दुष्यंत से चुपके से शकुंतला ने विवाह कर लिया है, तो उसमें माता पिता की सहमति होनी चाहिए, तो लोग एक प्रतीक्षा, एक मन में संदेह है कि कण्व ऋषि की क्या प्रतिक्रिया होगी यह जान करके कि शकुंतला और दुष्यंत ने आपस में विवाह कर लिया। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है, और वहाँ वो कहते हैं कि दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टिरपि नहीं, वो कहते हैं सुशिष्य परिदत्ता विद्ये वा शोचनीयासी संवृत्ता, अर्थात जिस प्रकार श्रेष्ठ शिष्य को दी गई विद्या, जरा इस शब्द पर यहां देखेंगे, जिस प्रकार श्रेष्ठ शिष्य को दी गई विद्या कभी शोक और चिंतन का कारण नहीं बनती, उसी प्रकार मानो दुष्यंत को दी गई शकुंतला
शोक और चिंतन का विषय नहीं होगी। मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ विद्या शब्द को लेकर के, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इस विद्या के माध्यम से विद्युत्तमा की ओर संकेत दिया गया हो और सुशिष्य जो है उसके माध्यम से कालिदास की ओर संकेत दिया गया हो, क्योंकि कालिदास एक सुशिष्य किसी गुरु के श्रेष्ठ शिष्य रहे होंगे, किसी राज्याश्रयी किसी राज्य के किसी राजा के एक श्रेष्ठ मित्र रहे हों, एक श्रेष्ठ दरबारी रहे हों, एक श्रेष्ठ मंत्री रहे हों, और तदनुसार राजकीय किसी कन्या का उनको उनके प्रति विवाह करवाया गया हो, तो एक सामंजस्य निकाला जा सकता है। लेकिन मैं इसे प्रामाणिक नहीं मानता हूँ, पुनः यह काव्य शास्त्र विनोद है। लेकिन जिस प्रकार विद्या शब्द अन्यत्र भी विद्या शब्द का प्रयोग है, जब मैं विद्योत्तमा को लेकर के कभी अपना लेक्चर देने आऊंगा जिसमें कि पूरा विशाल मेरा रिसर्च है विद्योत्तमा के लोग को लेकर के, तो उस पर मैं यह जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को भी इन जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्या विद्योत्तमा वास्तव में थी या नहीं थी। अस्तु, तो ये जो एक कहानी है विद्योत्तमा से संबद्ध है, जो कि पूरे जो सार्वभौमिक ये एक यूनिवर्सल जो है ये स्टोरी चलती है, लेकिन ये अविश्वसनीय है, क्योंकि कालिदास के जो विषय हैं उस विषय को लेकर के ये कहना कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में, एक और आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, दूसरी ओर हम उसे कह रहे हैं बचपन से मूर्ख, एक और कह रहे हैं उसी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पशुपालन, और तीसरी ओर हम कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सात काव्यों की रचना की, तो ये कहीं ना कहीं सामंजस्य विहीन हमारी कहानी चलती है। इसलिए इस कहानी को हमें केवल कहानी समझना चाहिए, केवल इसे लोक कथा के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ना कि कालिदास जैसे श्रेष्ठ कवि के परिचय के लिए इस कहानी को आधार बनाया जाना चाहिए। मित्रों, जब हमने कभी चर्चा की होगी कालिदास के प्रारंभिक व्याख्यानों में, तो बार बार मैंने एक कवि विशेष का नाम लिया था, वे थे मेरुतुंगाचार्य। मेरुतुंगाचार्य की बड़ी ही विशिष्ट भूमिका रही है महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र या उनकी कहानियों को हम तक संप्रेषित करने की। बल्कि कभी कभी मेरा ऐसा कहना है कि कालिदास विषयक जो इस प्रकार की कहानी है, वो सर्वप्रथम जैन कवि मेरुतुंगाचार्य ने प्रबोध चिंतामणि नामक अपने ग्रंथ में लिखी, जिसे पढ़ करके इस सभ्य समाज ने, इस श्रेष्ठ समाज ने सत्य मान लिया और उस सत्य को आधार मान करके कालिदास की व्याख्या करने लगे। हम चर्चा हल्की कर लेते हैं कि मेरुतुंगाचार्य ने प्रबंध चिंतामणि में महाकवि कालिदास के विषय में क्या क्या चर्चा की है। उनका कहना है कि ये कालिदास अवंती के राजा विक्रमादित्य के दामाद थे। उस विक्रमादित्य के दामाद की एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था प्रियंगुमंजरी। वह विदुषी थी, लेकिन जब वो युवती हुई तो अपने यौवन के मद में ये इतना चूर थी कि अपने गुरु आचार्य वर रुचि के साथ ही हास परिहास करने लगी। आचार्य क्रुद्ध हुए और उन्होंने उस युवती के प्रियंगुमंजरी के गर्व दलन के लिए, उनके गर्व को चूर करने के लिए एक मूर्ख से इनका विवाह करवा दिया। इस प्रियंगुमजी मंजरी ने उस मूर्ख व्यक्ति का काफी अपमान किया और अपमानित तो होकर के यह मूर्ख और पशुपालक जो व्यक्ति थे वो काली की शरण में गए। उन्होंने काली की आराधना की और उस आराधना का परिणाम और उस प्रताड़ना और अपमान का परिणाम यह हुआ कि कालिदास महान का उदय हुआ। हम इसकी भी सर्जरी कर लेते हैं कि इस कहानी में कितना दम है। मित्र, दोनों कहानी हमने पढ़ी सुनी, एक विद्युत्तमा से संबद्ध कहानी और दूसरी प्रियंगुमंजरी से संबद्ध कहानी, इन दोनों पर जरा गौर करें। इनमें एक कॉमन चीज क्या है, मैंने दो कॉमन है लेकिन मैं एक कॉमन को अभी पकड़ रहा हूं, वह है काली का भक्त, काली की आराधना, और काली की आराधना से ये कालिदास कहलाए। मित्रों, पुनः पुनः मेरा प्रयास रहा है और रहेगा कि महाकवि कालिदास का काली नामक देवी के साथ किसी भी प्रकार का एसोसिएशन नहीं रहा, नहीं था। उन्होंने अपने पूरे काव्य चक्र में, सप्त काव्य में, केवल और केवल एक स्थल विशेष पर काली देवी की चर्चा की है, लेकिन वहां पर देवी रूप में नहीं बल्कि शिव की सहायिका के रूप में उन्होंने काली देवी की चर्चा की है। जिस प्रकार पार्वती के साथ वो विजया नामक उसकी सखी की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार किसी न्याय के कारण उन्होंने वहां पर काली की चर्चा की है। पूरे किसी भी काव्य में, ना तो ऋतु संहार में, ना विक्रमोर्वशीयम, न मालविकाग्निमित्रम, न कुमार संभवम, न रघुवंशम, न अभिज्ञान शाकुंतलम और न मेघदूतम,
इन किसी भी काव्यों में इन्होंने काली देवी की ना तो आराधना की है, ना ही उनके प्रति किसी प्रकार का सम्मान अभिव्यक्त किया है। जो व्यक्ति काली की के प्रसाद से, काली के वर से इतने महाव्यक्तित्व बनेंगे, कम से कम उनके प्रति एक तो श्लोक बनता था, आराध्य श्लोक बनता था, एक कृतज्ञता बनती थी इनकी, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी इनके काव्य हैं ऋतु संहार को छोड़ करके, उन सारे काव्यों में इन्होंने पुनः पुनः किसी न किसी रूप में भगवान शिव की आराधना की है, और तदनुसार यह निर्णय लिया जाता है कि ये शिव के भक्त थे। मित्रों, हमने अपने जब इनके काल की चर्चा कर रहे थे तो उस क्रम में हमने कालिदास को काली शब्द के अर्थ का भी हमने अन्वेषण करने का प्रयास किया था, और उस क्रम में हमने यह बताया था कि यहाँ काली शब्द है, यानी ल में ह्रस्व इ की मात्रा है, कालिदास नहीं है। देवी का नाम क्या है? काली, ल में दीर्घ ई की मात्रा, और नाम क्या है कालिदास का? काली। दूसरे शब्दों में अगर सामासिक दृष्टि से इसे हम और अधिक व्याख्या में लाएं तो यह मूल हुआ कालिनः दासः, कालिनः दासः, यानी कालिनः शब्द में षष्ठी एक वचन है, और तदनुसार काली ल में छोटी ई की मात्रा, इसका दास, काली का दास, काली का सेवक, यह अर्थ निकलता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह काली क्या है? तो हमने इसे इनंत समझा था, और इनंत जितने भी शब्द होते हैं उसका हम सामान्य अर्थ ये लेते हैं, यस्यास्ति अयम सह। जैसे दंडी शब्द है दंडिन, तो हम क्या कहते हैं? दंडह अस्यास्ति स अयम दंडी, सोयम दंडी। इसी तरह कई सारे ऐसे शब्द हैं, शूली, शूलह अस्यास्तीति शूलिन, ऐसे बनता है। तो इसी प्रकार कालिन शब्द हम लें, और कालिन शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो ये कालह अस्यास्तीति, अर्थात जिनके वश में, जो काल को नियंत्रित करे, समय को नियंत्रित करे। मित्रों, पुनः पुनः कहूंगा कि महाकवि कालिदास ने स्पष्टतया अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में द्वितीय पंक्ति के प्रथम चरण में, श्रद्धरा छंद में, इन्होंने स्पष्ट कहा है, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो कालों को धारण करता है, जो दो काल को धारण करता है। यहां दो से तात्पर्य है सूर्य और चंद्र, अर्थात सूर्य और चंद्र ही हमारे समय, जो हमारे समय की गति है उसको धारण करता है, उसी से निर्धारित होता है। और यह सूर्य और चंद्र शिव की आठ मूर्तियों में से दो मूर्तियां हैं। दूसरे शब्दों में महाकवि कालिदास ने और पौराणिक जो परंपरा है उसके आधार पर सूर्य और चंद्र शिव का यदि स्वरूप हुआ तो वह क्या हुआ? शिव ही हुआ। तो शिव काल को धारण करता है, यह अर्थ हुआ। हमने पहले क्या अर्थ किया कि जो काल को धारण करे वह कालिन हुआ, और कालिनः दासः इति कालिदासः। तो दूसरे शब्दों में महाकवि कालिदास के नाम से भी स्पष्टतया यही अर्थ निकलता है कि ये शिव के भक्त थे, न कि काली के भक्त। तो इस प्रकार से यदि कोई भ्रामक कहानी अपनी जोड़ तोड़ के लिए, अपने मनोविनोद के लिए लिखते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, वे लिख सकते हैं। लेकिन कालिदास के नाम, कालिदास के जीवन चरित, कालिदास का काल, कालिदास का स्थान, या कालिदास का जो कोई भी इतिहास है, उनको यदि काली देवी के आधार पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका जो है वो फल विरहित श्रम होगा, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हमने महाकाल की ओर भी संकेत किया था कि महाकवि कालिदास महाकाल की चर्चा करते हैं, वो महाकाल और कोई नहीं, भगवान शिव हैं। अस्तु, तो ये बातें हमने की कि दोनों जो हमारे तर्क हैं, जो मेरुतुंगाचार्य के द्वारा कथित और एक लोक परंपरा में विद्योत्तमा से संबद्ध जो कथा चलती है उसमें दोनों में एक कॉमन चीज आ रही है, वो है कालिदास, जिसमें काली देवी का उल्लेख है वो नहीं है। एक दूसरा है पशुपालन, पशुपालक। मेरे कहीं ना कहीं ये तो सहमति नहीं है कि वे पशुपालक थे या नहीं थे, लेकिन इतना जरूर है कि महाकवि कालिदास किसी एक घर में कैद करके नहीं रहे, कैद होकर के नहीं रहे, अर्थात किसी एक जगह पे ये टिके नहीं। और जैसा मैंने कहा था पिछले क्लास में कि आसमान इनका छत था और धरती इनका ठिकाना था, कहीं भी इन्होंने स्वाभाविक रूप से आश्रय ग्रहण नहीं किया। ये यायावर थे, ये उछलने कूदने वाले थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी अन्य जगह पे। और यही कारण है कि भारत की समस्त संस्कृति, भारत की सारी संस्कृति के सारे तत्व महाकवि कालिदास में रिफ्लेक्ट होते हैं, और तभी हम जा करके कहते हैं कि कालिदास किसी एक स्थल विशेष के नहीं थे,
इसी क्रम में यदि आज समय रहा तो आज हम उन्हें यह भी आप लोगों को सूचित करने की कोशिश करेंगे कि कालिदास कम से कम मेरी दृष्टि में आश्रय विहीन थे। और जब हम आश्रय विहीन बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रतीत तो होता है कि कालिदास की माता नहीं थी, बचपन में ही इनकी माता परलोक सिधार गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कालिदास पूरे जीवन मातृ सुख से वंचित रहे हैं। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा और वो पूरा का पूरा उनके काव्य के आधार पर ही यह हम निष्कर्ष निकालेंगे। और यह भी निष्कर्ष निकालेंगे कि कालिदास की वंश परंपरा भी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कालिदास जीवन भर शिशु मुख देखने को ही लालायित रहे, जो कि उनके सारे काव्यों से यह बात अभिव्यक्त होती है। तो जहां तक रही बात पशुपालन की, तो यह बात भी समझ में आती है। तीसरी बात जो दोनों में कॉमन है वो है अपमानित होकर के घर छोड़ करके भागने की। मित्रों, मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है कि कालिदास बाल्यकाल से ही तेजस्वी थे, इसलिए इनके ज्ञान में किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह भी संभव है कि कालिदास का संबंध कभी ना कभी किसी न किसी राजकीय या घराने की राजकुमारियों से या किसी अन्य ऐसे ही राज्याश्रय प्राप्त किसी दिव्य युवती से अवश्य रहा होगा, और जिसका परिणाम है कि पुनः पुनः उनके काव्य की जितनी भी नायिकाएं हैं वो उत्कृष्ट नायिकाएं होती हैं, श्रेष्ठ नायिकाएं होती हैं, सुंदरी नायिकाएं होती हैं, जिनके प्रति कविरूप कालिदास का विशेष आकर्षण होता है। और यही कारण है कि कोई भी साहित्य आप पढ़ लें, कालिदास की नायिका जितनी सुंदरी, कालिदास जिस प्रकार अपनी नायिकाओं के चित्रण के लिए सुंदर उपमान तत्वों का प्रयोग करते हैं, उतना किसी और कवि के द्वारा उतना उत्कृष्ट वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इसका एक ही अनुमान किया जाता है, इसकी एक ही समीक्षा की जाती है कि महाकवि कालिदास का संबंध जरूर इन नारियों से रही होगी। मित्रों, और भी कई सारे विषय हैं, और भी कई सारी कहानियां हैं, जिन कहानियों को हम जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कालिदास और के जीवन से संबद्ध और क्या क्या कहानियां हमारे पास प्राप्त होती है और क्या क्या व्यवहार प्राप्त होते हैं। बस कुछ क्षण का विराम और पुनः हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत के कवियों अथवा काव्यों के बारे में एक स्वाभाविक स्रोत के रूप में राजा तरंगिणी को लिया जाता है। हम आप सभी जानते हैं कि राजा तरंगिणी कश्मीर प्रदेश का इतिहास का एक कह सकते हैं कि एल्बम है, एक पूरी तरह से रिफ्लेक्शन जो है कश्मीर प्रदेश का उसमें प्राप्त होता है। कल्हण ने अपनी राजा तरंगिणी में मातृगुप्त नामक किसी भृत्य का उल्लेख करता है। एक सेवक है, एक नौकर है, जो किसी राजा के दरबार में वह भृत्य आता है, वह सेवक व्यवहार एवं कार्यकुशल है।
अपने व्यवहार एवं कार्य कुशलता से जो अपने आश्रयी राजा विक्रमादित्य है वो उनको उनका उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और विक्रमादित्य मातृगुप्त नामक इस भृत्य को कश्मीर का राजा बना देता है। यहाँ यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इस विक्रमादित्य से संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर इशारा है जो कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने भी किया है। ये मातृगुप्त बहुत बड़े विद्वान बने, बहुत बड़े कवि बने और राजतरंगिणी में मातृगुप्त के लिए कवींद्र शब्द का प्रयोग है, अर्थात कवि श्रेष्ठ है। बाद में पंडितों ने ऐसा अनुमान किया, समीक्षकों ने ऐसा अनुमान किया, तर्क किया कि यह पंडित यह मातृगुप्त कोई और नहीं, यह कवींद्र कोई और नहीं, ये केवल और केवल कालिदास थे। ये एक अलग कहानी कालिदास के विषय में चलती है। और अगर इस कहानी का विश्लेषण करें तो जो दो तीन साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध होते हैं उसमें एक कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भृत्य सेवक मातृगुप्त था, ठीक है, और मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मित्रों, भारतीय राजनीतिक इतिहास में प्रायः ही कहीं ऐसा देखा गया कि कोई राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने किसी सेवक को किसी प्रदेश विशेष का राजा बना दे। देखिए, राज्याधिकारी क्षम्य है, आप उसे यह कह सकते हैं कि दूत बनाकर के भेजा जाना हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, लेकिन मातृगुप्त नामक किसी भृत्य जो कि दासता में था, ठीक है, दिव्य होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन अनायास उसे राजा बना दिया जाना, ये एक पुनः कारणों के अनुसंधान की आवश्यकता है। दूसरा मूल विषय कवींद्र थे, स्वाभाविक है, मातृगुप्त अगर विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे और राजतरंगिणी ने अगर उनकी चर्चा की है तो स्वाभाविक रूप से ये कवींद्र वाला शब्द जो है सत्य है, स्वाभाविक है। इन्हीं सबसे जो एक तर्क जिसे बाद में प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला ने हमारे सामने एक तर्क प्रवर्तित किया कि महाकवि कालिदास कश्मीरी थे, इन्हीं सारी कहानियों के आधार पर, इन्हीं सारे किस्से के आधार पर कालिदास को कश्मीर प्रदेश का ठहराया जाता है। और एक वो जो तर्क है कि गुप्तकालीन थे, वो तर्क सटीक बैठता है यहाँ पर उनके काल को लेकर के। लेकिन यदि मातृगुप्त नामक यह सेवक था तो क्या कालिदास अपने काव्यों में अपने इस नाम से संकेत नहीं देते? जबकि तीनों नाटकों में हम पाते हैं कि कालिदास ने अपने नाम का उल्लेख किया है। कालिदास ग्रथित वस्तुना नवेन, कालिदास ग्रथित वस्तुना विक्रमोर वशीय नामधेयेन, मालविकाग्नि मित्र नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, नवेन त्रोटकेन अथ च नवेन नाटके उपस्थातव्यमस्माभिः, ये सूत्रधार के वचन होते हैं और तीनों नाटक में कालिदास का नाम है। प्रश्न ये है कि अगर तीनों नाटकों में कालिदास का नाम है तो मातृगुप्त शब्द का कहीं तो उल्लेख होना चाहिए, संकेत से ही सही या किसी अन्य रूप में ही, जिसका हम उल्लेख नहीं पाते। दूसरा यह भी जानना है कि क्या महाकाव्य के लेखक कालिदास और नाटक के लेखक कालिदास दो भिन्न व्यक्तित्व थे? प्रोफेसर रमाशंकर तिवारी जो कि कालिदास के विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं, उनकी दो किताब है। एक किताब का नाम है महाकवि कालिदास, जो कुछ अच्छे पुस्तकों में से एक है, और मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूं कि रमाशंकर तिवारी जी की ये किताब आप अवश्य पढ़ना, महाकवि कालिदास। और उन्हीं की दूसरी पुस्तक है, परिमल पब्लिकेशन से पब्लिश है, काव्यकार कालिदास और नाटककार कालिदास। उसमें उन्होंने यह क्षमा याचना की है उस पुस्तक में कि मैं कभी सोचता था कि दोनों कवि भिन्न थे, लेकिन जब मैंने उनके पूरे काव्यों का सांगोपांग अध्ययन किया तो मुझे ऐसा कहीं से ज्ञात नहीं होता कि दोनों भिन्न थे। अब केवल और केवल कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कई सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे जो कि एक ही आपको प्रतीत तो होंगे। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि लक्ष्म हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिभि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। आप पढ़ें कुमार संभवम के पंचम सर्ग का नवा पद्य, यथा प्रसिद्धैर मधुरम शिरोरुहैर जटाभिरप्येवम अभूत तदाननम न षट्पद श्रेणीभिरेव पंकजम सशैवला संगमपि प्रकाशते।
इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में, इदम किलाब्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवम सनीलोत्पलपत्र धारया समील लताम छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति। सेम आप आइडिया पाएंगे कुमार संभवम के पंचम सर्ग में, जहां पर वो कहते हैं क्लमम ययो कंदुके लीलयापितया मुनीनाम चरितम व्यगाह्यत ध्रुवम स कांचन पद्म निर्मितम मृदुः प्रकृत्या ससारमेव च। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा कुमार संभवम के पंचम सर्ग के प्रथम पद्य में, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला हि चारुता। तो हम यहाँ पर महाकवि कालिदास में स्पष्ट रूपेण पाते हैं कि कई सारे ऐसे संकेत हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम पैरेलल के रूप में महाकवि कालिदास के कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम में पाते हैं। यही नहीं, इन्हीं प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हम मेघदूतम में भी पाते हैं और अन्य ग्रंथों में भी हम पाते हैं। मूल विषय क्या निकल कर आ रहा है? मूल विषय यह निकल कर आ रहा है कि ये दोनों अभिन्न थे, इसीलिए केवल और केवल महाकाव्यीय परिदृश्य में कालिदास की विवेचना नहीं की जानी चाहिए। एक समग्रता के रूप में नाटककार अथच काव्यकार कालिदास को अभिन्न मानते हुए तब उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, विवेचन किया जाना चाहिए। और इन दोनों के विश्लेषण और विवेचन से आपको ज्ञात होगा कि कालिदास किसी एक प्रदेश विशेष से बंध कर नहीं थे, और साथ ही कालिदास के जीवन के किसी एक चरित्र के आधार पर कालिदास की व्याख्या हम नहीं कर सकते। अस्तु, हमने जो कहानियां पढ़ी उसमें जो दो तीन बातें रही, एक अशिक्षित होने का प्रवाद, मातृगुप्त से अभिन्नता, विक्रमादित्य का जामाता आदि, इन सारी बातों से जो परवर्ती काव्य जगत है, जो परवर्ती व्याख्याकार है, वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कालिदास अपने प्रतिपालक किसी राजा के किसी कन्या के प्रणयी पति थे। अब उक्त हम तर्क ले या ना लें, हेतु ले या ना लें, लेकिन जहां तक प्रतिज्ञा है वह अवश्य हम इतना जरूर कहेंगे कि निस्संदेह महाकवि कालिदास का जो जीवन है वो प्रणय में, कालिदास प्रणय के प्रवीण पुरोहित थे, और उनके जीवन में जरूर ऐसी प्रेयसी आई जिनमें आकंठ निमग्न होकर के उन्होंने प्रेम किया है। अब वह चाहे किसी सुदूर स्वतंत्र प्रदेश की कोई नारी हो या किसी राजकीय घराने की नारी हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कालिदास ने स्पष्ट रूपेण संकेत दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि उनका संबंध मानो राजकीय स्त्रियों के साथ नहीं था। वो इसलिए कि वो पंक्ति है कि जहां कहते हैं दूरी कृताह खलु गुणैः उद्यानलता वनलता भी, अर्थात किसी स्वभाव, जब शकुंतला को पहली बार दुष्यंत देखता है आश्रम में, तो उनकी ये टिप्पणी आती है कि अपने गुणों से इन सुंदरियों ने अंतःपुर की सुंदरियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। दूसरे शब्द में कालिदास कहीं ना कहीं राजकीय परिवेश से बाहर किसी सुंदरी स्त्री से अवश्य ही आसक्त होंगे, और यही कारण है कि इनकी जो भी नायिकाएं हैं उन नायिकाओं को वे राजघराने से दूर, प्रायः राजघराने से दूर वो किसी उद्यान में ले जाते हैं या किसी ऐसे प्रदेश की उसे नायिका वो बनाने की सिद्ध को सिद्ध करते हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में राजकीय घराने से नहीं हो। आप प्रश्न कर सकते हैं कि पार्वती तो राजकुमारी थी, हिमालय की पुत्री थी, हम इसके आधार पर यह कहते कि यही कारण है कि उनको राजकीय परिवेश से महाकवि कालिदास ने निकाल करके तपस्या के लिए घर से बाहर निकाल दिया। हम कहते हैं कि शकुंतला आश्रम कन्या है, उर्वशी जो कि स्वर्गीय दिव्य नारी है उसको भी उन्होंने धरातल पे ला करके खड़ा किया जिनका संबंध किसी राजकीय घराने से नहीं है। मालविका यदि राजपुत्री है तो उनको भी स्वाभाविक जीवन शैली के कारण उनको कारागार में डलवाया जाता है, जेल में डलवाया जाता है। दूसरे शब्दों में महाकवि कालिदास को ये राजकीय छल प्रपंच वाली जो नारियां हैं वो प्रिय नहीं थी, उनको एक निश्चल सौंदर्य के वो पुजारी थे, जो इतना इनके जो काव्य है, इन काव्य के अंतः स्रोतों से यह जरूर ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास का संबंध राजकीय परिवेश में थे, उनका जीवन राजकीय परिवेश में अवश्य बीता है, राजाओं के संसर्ग में अवश्य बीता है, लेकिन उनका जो अपना जो व्यक्तिगत जीवन था वो कहीं ना कहीं उस राजकीय घराने से कोसों दूर किसी पर्वतीय उपत्यका में किसी पर्वतीय प्रदेश की नारी से या किसी ग्राम्य प्रदेश की सुंदरी नारी से उनका संबंध रहा है। एक बड़ी ही सुंदर कहानी आती है जिसे कालिदास के विषय में किसी भी पुस्तक को आप उठाएंगे तो भूमिका में आप पाएंगे, और वो है कुमारदास।
हम लोग सभी जानते हैं कि कुमारदास जानकी हरण के लेखक थे। जानकी हरण रामायण के ऊपर आधारित एक काव्य है। कालिदास, जब कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की और उस ग्रंथ को जब कालिदास ने देखा तो उन्होंने जानकी हरण की भूरी भूरी प्रशंसा की, काफ़ी तारीफ की। कुमारदास ने उस प्रशंसा को सुनने के बाद कालिदास को आमंत्रित किया अपने यहाँ और कालिदास सिंघल द्वीप जाते हैं। सिंघल द्वीप में रहते हुए कई समय तक वो रहते रहे और इसी रहने के क्रम में किसी राजकीय किसी दासी से या गणिका से उनका प्रेम हो जाता है। वो दासी अथवा गणिका एक रात में कालिदास ने पाया उनको कि वो किसी समस्या पूर्ति में लगी हुई है। समस्या पूर्ति में लगी हुई थी, जैसे ही कालिदास ने समस्या पूर्ति की वो पहली पंक्ति पढ़ी तो उन्होंने दूसरी पंक्ति वहाँ पर डाल दी और दूसरी पंक्ति को डालते ही अब इनको लगा कि भाई सारे पैसे तो कालिदास के मिल जाएंगे, तो उस गणिका ने पैसे के लोभ में कालिदास की हत्या कर दी। जब कालिदास की हत्या हो गई तो कुमारदास बहुत ही दुखी हो गए, चिंतित हो गए और उन्होंने आवेग में आकर के अपने मित्र के चिते पर ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज भी मीराशी जी ऐसा कहते हैं, वीवी मीराशी जो एक अच्छे कालिदास के समीक्षक हैं और वो निष्पक्ष समीक्षक हम उनको कहते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का पूर्वानुराग नहीं हम प्रायशः पाते हैं। उन्होंने यह लिखा अपने काव्य में, उनका भी ग्रंथ है कालिदास, उस कालिदास में लिखा है कि सिंघल द्वीप में किरिंदी नदी है। सिंघल द्वीप से तात्पर्य है आधुनिक श्रीलंका, तो इसलिए इस व्यामोह को हम लोग, इस जो एक मन में संशय होगा सिंघल द्वीप को लेकर के, उनको दूर कर लें कि श्रीलंका जो आधुनिक श्रीलंका है उस श्रीलंका में किरिंदी नदी के मुहाने पर माटर नामक एक कोई दक्षिणी प्रांत है जिसमें आज भी महाकवि कालिदास का समाधि स्थल है। यानी आज भी लोग कालिदास के समाधि स्थल समझ करके उस जगह को देखने जाते हैं, उस जगह की पूजा करने जाते हैं। मित्रों, ये दंत कथा है, सत्य क्या है उनकी अभी हम चर्चा करें, लेकिन इससे पहले समस्या पूर्ति की जानकारी ले लें। वो समस्या पूर्ति क्या थी? कुमारदास की पुत्री राजकुमारी ने एक पंक्ति दी। पंक्ति यह थी कि कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। भाई हमने ये सुन तो रखा है कि कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, अर्थात कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये लोक परंपरा में हमने सुन रखा है, लेकिन हमने देखा नहीं है, ऐसा देखा नहीं जाता कि कमल से कमल की उत्पत्ति होती है। ये पहली पंक्ति है, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। सारे के सारे पंडित लोग परेशान हो गए कि इसकी आखिरी पंक्ति क्या होगी, किसी को इस समस्या आगे की पंक्ति जो है नहीं सूझ रही थी। वो दासी या गणिका भी रात में लगी हुई थी कि भाई मैं किसी तरह इसको पूरा करूं, और राजकुमारी ने जिस पुरस्कार राशि की घोषणा की है उस राशि को मैं प्राप्त करूं। एक संकेत तो जरूर है कि वो दासी या गणिका जो थी वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए अपना श्रम उसमें लगा रही थी। कालिदास ने जब देखा कि इनसे नहीं हो रहा है तो उन्होंने छूटते ही आगे की पंक्ति पूर्ण की और वो पंक्ति थी, बाले तव मुखाम्भोजे कथम इंदीवर द्वयम्। हे बालिके, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर, अर्थात यहां पर मुख को क्या है, एक कमल कहा गया, और स्वाभाविक हमारे संस्कृत साहित्य में सर्वत्र जो है, सर्वत्र प्रायशः मुखों के कई सारे उपमान तत्वों में से एक कमल है, एक चांद है तो एक कमल है, तो कमले अर्थात इस कमल पे, कमले अर्थात हे बालक तव मुखाम्भोजे तुम्हारे इस मुख रूपी कमल पे कथम इंदीवर द्वयम्, कैसे ये दोनों दो कमल हैं। आंखों की भी उपमा कमल से दी जाती है। इंदीवर शब्द का अर्थ होता है ब्लैक लोटस, कृष्ण कमल, काला कमल। हम आप सभी जानते हैं कि कमल की कई सारी प्रजातियां होती है, कई रंग के कमल होते हैं, जिसमें श्वेत कमल है, जिसमें नील कमल है, तो इंदिवर यहां पर नील कमल है। तो कहते हैं कि तुम्हारे इस मुख रूपी कमल पे ये दो नील कमल कैसे, अर्थात ये सत्य है कि कमल से कमल की उत्पत्ति देखी जाती है, जैसे तुम्हारे मुख रूपी कमल पर ये दो कमल पहले से ही विद्यमान है। इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर कल्पना। जब कुमारदास को पता चला कि ये पंक्ति है तो उनके दिमाग में भी यही हुआ कि अरे ये तो केवल मेरे कवि लिखने, मेरे मित्र जो दोस्त हैं जो मेरे कालिदास, उन्हीं की ये रचना हो सकती है, और तदनुसार उन्होंने अन्वेषण किया तो वो मृत पाए गए। और जब उनके सम्मान के साथ उनका जब राजकीय जब उनका दाह संस्कार किया गया तो वे अपने आवेग को रोक नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या की उन्हीं के साथ। मित्रों, जब आप इतिहास खंड देखने चलेंगे तो उस इतिहास के कालखंड में जानकी हरण जो है कुमारदास की रचना, या कुमारदास अगर हैं
तो वे बहुत बाद हुए हैं कालिदास के। बहुत बाद से मतलब है 150-200-300 वर्षों के बाद हुए हैं कालिदास से। तो इसलिए यह सामंजस्य मिला पाना कि कुमारदास और कालिदास मित्र थे, या कालिदास का संबंध गणिकाओं से था, या कालिदास का संबंध किसी और से था, ये निकाल पाना एक गलत चीज़ है। और कभी कभी कुछ वर्ग ऐसे रहे हैं। देखिए मित्रों क्या होता है, एक ओर जब व्यक्ति की खूब प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर कुछ ऐसे ईर्ष्या और द्वेष में ग्रस्त रहने वाले लोग होते हैं जो उनकी निंदा भी करते हैं। ऐसे जो निंदक होते हैं वो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की निंदा के लिए कई इस प्रकार की कहानियां गढ़ लेते हैं कि अरे ये तो बचपन में मूर्ख था। अभी भी कई सारे आपने विवादग्रस्त कई सारी कहानियां सुनी होंगी, और जब वो घटना घट गई, जब न्यायालय से उन पर निर्णय दे दिया गया, तो अब कई प्रकार की छोटी छोटी कहानियां आप सोशल मीडिया में पाते होंगे। ये परंपरा है, लोग अपने आवेग को रोक नहीं पाता। जो द्वेषी वर्ग होते हैं वे तदनुसार उस व्यक्ति की समालोचना करते हैं, और जो प्रशंसक वर्ग होते हैं वो तदनुसार उस वर्ग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर जैसे कालिदास यदि श्रेष्ठ विद्वान थे, सर्वत्र उनको सम्मान मिलता होगा, तो अन्य जो उनसे विद्वेष करने वाले लोग होंगे, जब उनको सम्मान नहीं मिलता होगा तो वे इस प्रकार की कहानियाँ गढ़ लेते होंगे, जिसमें कालिदास को कभी मूर्ख बता दिया गया है, तो कभी कालिदास को गणिका प्रेमी बता दिया गया है। अगर आप कालिदास के काव्य को पढ़ें तो उनके काव्यों में जिस प्रकार की शुचिता परिलक्षित होती है, जिस प्रकार के निश्चलता प्रतीत होती प्रकट होती है, मैं तो स्पष्ट रूपेण कई बार कह चुका हूं कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता यदि कोई हैं तो वे महाकवि कालिदास हैं, और वे प्रवक्ता आधिकारिक प्रवक्ता महाकवि कालिदास हैं। कहीं भी इनमें ऐसे अशुचि तत्वों का प्रयोग हम नहीं पाते हैं। यदि घुनाक्षर न्याय से एकाध ऐसे स्थल आते भी हैं तो उनका सामंजस्य और उनका उपसंहार वे इतना उत्कृष्ट कर देते हैं कि मानो महाकवि कालिदास के काव्य हैं ही सत्यम शिवम और सुंदरम की स्थापना के लिए। तो इसलिए इन कहानियों को जोड़ करके कालिदास के जीवन चरित्र को धूमिल करना, कालिदास की छवि को धूमिल करना, मैं समझता हूँ कि यह एक विद्वेषी वर्ग का असफल आयास है। इसके साथ एक और कहानी जोड़ दी गई है, वो कहानी है कुमार संभवम को लेकर के। महाकवि कालिदास के कुमार संभवम के विषय में यह चिंतन पाया जाता है कि कालिदास ने इस पूरे काव्य की रचना नहीं की है। उन्होंने केवल 8वें सर्ग तक रचना की और उसके बाद किसी अन्य कवि ने आकर के जोड़ दिया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हुआ क्यों और कैसे। यहां हम क्या पाते हैं कि एक तर्क तो यह मिलता है कि 8वें सर्ग के बाद जो भाषा है वो भाषा कालिदास की भाषा प्रतीत नहीं होती। एक दूसरी ओर जो बात पाई जाती है कि 8वें सर्ग में इन्होंने शिव और पार्वती के व्यक्तिगत जीवन का इतना कुद्रूप और विभत्स वर्णन किया है जिससे पार्वती देवी अप्रसन्न हो गई और उन्होंने कालिदास को शाप दिया, जिससे कालिदास को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में, और उसी से कालिदास की मृत्यु हो गई और वे अपने कुमार संभवम को आगे की रचना कुमार संभवम को पूर्ण नहीं कर पाए। पुनः मैं कहूंगा कि यह एक विद्वेष मात्र है। यद्यपि 8वें सर्ग के बाद मल्लिनाथ आदि की टीका नहीं मिलती, क्योंकि वो कहते हैं कि मल्लिनाथ ने जब देखा कि उन्होंने इतना वर्णन है तो उसके बाद मल्लिनाथ आगे, क्योंकि या तो मल्लिनाथ आगे प्राप्त नहीं हो पाया वो ग्रंथ इसलिए आगे टीका नहीं कर पाए, या जिस प्रकार के भाव तत्व उन्होंने पाया उससे उनकी इच्छा आगे टीका करने की नहीं हुई। मित्रों मैं दोनों पे चर्चा करता हूं, और मेरा यह मानना है कि पुनः जो है यह विद्वेषी वर्ग का आख्यान मात्र है। ग्रंथ के किसी अंश पर टीका प्राप्त होना या नहीं होना यह कतई प्रमाण नहीं बनता किसी काव्य की पूर्णता का। ऋतु संहार पर तो टीका है ही नहीं, तो क्या ऋतु संहार को हम मान लें कि कालिदास की रचना नहीं है? यह व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसकी टीका कर रहा है या उनकी आयु कितनी आगे बढ़ी है। हम तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि मल्लिनाथ की मृत्यु ही 8वें सर्ग के बाद हो गई, वो आगे अपनी टीका को नहीं ले बढ़ा पाए। एक दूसरा विषय ये जहां तक भाषाई सामंजस्य का विषय है, हाँ इसमें हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि कवि क्या तब अगर हम विक्रमोर वशियम की भाषा और मालविकाग्नि मित्रम की भाषा की तुलना अभिज्ञान और शाकुंतलम की भाषा के साथ करें
तो क्या ये निर्णय ले लिया जाएगा कि विक्रम और वर्षीयम और मालविकाग्नि मित्रम जो है वो महाकवि कालिदास की रचना नहीं है, क्योंकि कुमार संभवम के 8 सर्ग तक और रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम की जो भाषा है इस भाषा से उन दोनों नाटकों का मेल नहीं है, इसलिए वो दोनों महाकवि कालिदास के काव्य नहीं है, तो यह दोषपूर्ण होगा। क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन में इस एक रूपता का संयोजन कर सके। हो सकता है कि कालिदास की विशिष्टता, कालिदास का मन केवल और केवल शिव और पार्वती के प्रणय में ज्यादा आबद्ध रहा हो, उनके लिए यह तत्व आवश्यक नहीं कि कार्तिकेय का जन्म होने के बाद कार्तिकेय किस रूप स्वरूप को प्राप्त होता है या कार्तिकेय की उत्कृष्टता में उनका उतना आनंद नहीं है। उनका लक्ष्य तो यह है कि तारकासुर का वध करवाना, लेकिन उनकी विशेष आसक्ति जो है, आप स्वयं अगर विवेचन करें अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसी कई जगह आपको मिलेंगे जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं गैप हो, कभी कभी लगता है कि यह भाषा शिथिल हो रही है। तो इसलिए भाषा शैथिल्य जो है वो कवि की रचना के प्रमाण में कहीं ना कहीं, ये ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर हम तर्क ले लें कि कुमार संभवम पूरी रचना नहीं है। दूसरा मूल विषय मित्रों, पार्वती की तपस्या, पार्वती के विवाह के बाद के संबंध को लेकर पार्वती का विवरण। आनंद वर्धन ने इस पर टिप्पणी की कि ये मानो माता और पिता के इस प्रकार के संबंध का ये खुला चित्रण करना हुआ। ठीक है, हमारी आस्था शिव और पार्वती में है। दूसरा तर्क कि महाकवि कालिदास स्वयं शिव और पार्वती को रघुवंशम में जगतः पितरौ कहते हैं, अर्थात संसार के माता पिता करते हैं, तब इस प्रकार की रचना जो है वो अशोभनीय है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कवि लोग स्वतंत्र होते हैं काव्य की रचना में, और यही कारण है कि काव्य को हम साहित्य का दर्पण कहते हैं। और दर्पण एक ऐसी चीज है जो समाज के किसी भी तत्व को छिपाता नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की है तो वहां पर उस जगह पर वो एक नायक और नायिका के मध्य के प्रणय संबंध की रचना कर रहे हैं, वो चित्रण दे रहे हैं, हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अन्यथा जब हनुमान की आंखों से सुंदर कांड में सीता देवी का नखशिख वर्णन होता है, सारे श्रृंगारिक अंगों का वर्णन होता है, तो क्या हम हनुमान को या हनुमान की पूजा करनी छोड़ दें? क्योंकि हनुमान की दृष्टि ने सीता को एक विभिन्न रूप में देखा है, उनके सारे अंगों का वर्णन वो कहते हैं कि उनका कौन सा अंग किस तरह हृष्ट पुष्ट है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान के द्वारा, अगर महाकवि कालिदास के कुमार संभवम में च्युत सम सकृति दोष है, तो वाल्मीकि के हनुमान की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान की आंखों से भी यदि सीता का उस स्वरूप में वर्णन है तो यह च्युत सम सकृति दोष है। एक दूसरा पक्ष लें, अधिकांश स्थलों पर आप पाएंगे कि हमारे जितने भी देवियों के वर्णन हैं वे सारे के सारे श्रृंगारिक वर्णन हैं, और वो श्रृंगारिक यहाँ तक कि सरस्वती देवी किस प्रकार अपनी वीणा को कहाँ पर रखती हैं, उनमें शब्दशः इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये कैसा समाज कि एक जगह अपनी आराध्य देवी का आप श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं, उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन कर रहे हैं, यानी शिव और दुर्गा के होठों का वर्णन हो रहा है, वो हमें स्वीकार्य है, वो हमारे लिए क्षम्य है। लेकिन यदि कालिदास शिव और पार्वती के प्रणय के मध्य के उस संबंध का चित्रण करते हैं तो वो हमें स्वीकार नहीं है, ये दुखद है। हमें हर जगह एक आंख से देखनी चाहिए कि यदि यहाँ ऐसा हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, स्वाभाविक है ये कि उन विषयों को हम अपने परिवार के साथ या अपने अनुजों के साथ, अपने किसी अन्य के साथ हम नहीं पढ़ सकते, वो अलग विषय है, वो पाठक के लिए वो एक कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा बन सकती है। लेकिन ये कहा जाना कि कालिदास से क्रुद्ध होकर के पार्वती ने शाप दिया, मेरा इससे विरोध है, क्योंकि ये वही समाज है जो खजुराहो मंदिर में भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो दूसरी ओर अगर कालिदास ने पार्वती और शिव के इस प्रणय का ऐसा चित्रण किया है तो इसमें दोष नहीं देखा जाना चाहिए। वस्तुतः महाकवि कालिदास अपने विचारों से स्वतंत्र थे, उनके विचारों पर स्वाभाविक रूप से हम पाते हैं कि कुछ प्रभाव अवश्य है राजकीय, जिसका चित्रण आगे करेंगे, लेकिन आज के संदर्भ में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का जो जीवन चरित रहा है वो जीवन चरित एक स्वतंत्र रहा है, निश्चल रहा है, यायावर रहा है, किसी एक प्रदेश विशेष से बंध करके नहीं रहे हैं, और इसी रूप में महाकवि कालिदास को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कालिदास के जो जीवन से संबद्ध जितनी बातें हैं वो यहाँ खत्म हो रही है।
आगे हम जब भी कभी कालिदास के विषय पर आएंगे तो एक और चर्चा करेंगे कि कालिदास का व्यक्तिगत जीवन, उनका विवाह, उनका पारिवारिक संस्कार कैसा है, उसका चित्रण करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज मिश्र। और इस वक्त हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, तो आइए इनसे जान लेते हैं कि कौन बोल रहे हैं और इनका क्या प्रश्न है। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम सुशील पांडे है जी। मेरा क्वेश्चन है कालिदास जी के जन्म के विषय में जो संशय रहता है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण के रूप में भी मैंने पढ़ा है जी, और ये उज्जैन के उसमें भी पढ़ा है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी जी। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही ध्यान से कालिदास को सुना है और पहले भी आप सुनते रहे होंगे जिसमें कालिदास के जन्म को लेकर के भी हमने चर्चा की है। एक चीज हमें अवश्य रूप से जान लेना चाहिए कि कालिदास के लिए कहीं भी हमें लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता है। हम और आप जो भी किसी काव्य में, किसी ग्रंथ में लिखते हैं, वो कालिदास के काव्य को आधार बनाकर, और तदनुसार महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में सारे प्रदेशों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, चाहे वो अलका हो या चाहे वो विदिशा हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कश्मीर प्रदेश हो। इसलिए जब तक हमारे पास एक लिखित उनका प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को किसी एक स्थान विशेष से बांध करके रखना उचित नहीं होगा, ये मेरा एक मंतव्य है। जहां तक उज्जैनी के साथ इनके संबंध की बात है, तो इसे कभी भी उज्जैनी के साथ संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जिस प्रकार शिप्रा नदी का वर्णन किया है, जिस प्रकार महाकाल का वर्णन किया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने सवाल पूछा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का जवाब जरूर मिला होगा। हमारे साथ अगले कॉलर वेस्ट बंगाल से जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। गीतिका जी, जी आप बताएं कौन बोल रहे हैं और आपका प्रश्न क्या है। जी मोहम्मद शहनशाह शेख बोल रहा हूँ, तो नॉर्थ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से। जी मोहम्मद शहनशाह शेख जी, आपका धन्यवाद है कि आपने कॉल किया, अब आप अपना प्रश्न पूछे। अच्छा जी, मेरा सर से ये प्रश्न है कि कालिदास को जो है लिखने की, लेखन की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, कवि लोग जो होते हैं, खास करके कालिदास जैसे जो कवि होते हैं, वे स्वांतः सुखाय होते हैं। मित्र, जिस काल में कालिदास हुए उस काल में मनोरंजन का कोई अन्य विषय ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम कहते हैं क्रिकेट या सिनेमा, जिसमें हम अपने आप को थ्रो दें। उस समय काव्य ही एक मनोरंजन का विषय होता था, जिसे मैंने बार बार कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो यह प्रेरणा उनकी स्वाभाविक है। जो समाज रहा है वो समाज सर्जक समाज रहा है, जहां पर कवि और काव्य और अध्ययन अध्यापन जो था, यही मुख्य वृत्ति थी लोगों की, और इसी वृत्ति से महाकवि कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शहनशाह शेख, इनको भी अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर यूं ही हमारे लाइव लेक्चर्स के दौरान हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। मित्रों, अगले सेशन में, यानी कि आगामी सेशन में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, और हम बताना चाहेंगे कि UPSC की परीक्षाएँ निकट हैं और अब आप यही चाहते हैं कि आपको संस्कृत विषय में हम सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे आपके लिए UPSC परीक्षा देना हो जाए आसान। तो मित्रों, हमारे अगले लेक्चर में जो 18 तारीख को होने वाला है, संस्कृत विषय पर ही, ये खास तौर पर UPSC स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो स्टूडेंट्स, हम यही चाहते हैं कि अगर आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, तो डॉक्टर पंकज मिश्र हमारे साथ होंगे 18 तारीख को। तो आप 10 से 11 के बीच में, यानी कि समय रहेगा 10 से 11, इस अंतराल में आप डॉक्टर पंकज मिश्र से प्रश्न पूछ सकते हैं UPSC सिलेबस को लेकर। तो मित्रों, आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर मिश्र। धन्यवाद।